आप लोग ये सोचते हैं कि जब ये क्लियर नहीं हुआ तो SBI PO क्या क्लियर हो। याद रखिए कि इसमें आपको ग्रुप एक्सरसाइज भी अटेंड करना है। जब सीरीज मुझे इस तरीके की दिखे तो मैं इस तरीके के पैटर्न के बारे में माइंड में सोचूं अपने आप कि ये पैटर्न लग सकता है क्या। ये सारी चीजें अपने आप आपके अंदर बिल्ड होगी। अभी से ही कैसे पढ़ेंगे कि हमारा प्रिलिम्स के साथ साथ मेंस, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू, सारे फेजेस क्लियर हों। हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल, आई होप यू डूइंग ग्रेट। आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बहुत सारे ऐसे एस्पायरेंट्स हैं जिनका भी RRB क्लर्क मेंस हुआ, RRB PO मेंस होना है और IBPS क्लर्क मेंस भी होना है। लेकिन ऐसे बहुत सारे और एस्पायरेंट्स हैं जिनका प्रिलिम्स क्लियर नहीं हुआ था एंड दे आर वेटिंग फॉर IBPS PO, दे आर वेटिंग फॉर SBI PO। एंड IBPS PO के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही वीडियो डाल दिया था जब नोटिफिकेशन आया था। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द SBI PO प्रिलिम्स प्रिपरेशन एंड IBPS PO के लिए भी आप इसे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको सिर्फ याद रखना है ना कि जब एग्जाम आपसे बिल्कुल पास में रहता है, 7 days बचे हुए रहते हैं, तब आपको डिफरेंटली प्रिपेयर करना होता है। उसके लिए हम वीडियो ले आएंगे, सो डू नॉट वरी फॉर दैट। ओके, फिलहाल जिसका RRB PO मेंस है और क्लर्क मेंस है ना, वो लोग अपने मेंस एग्जामिनेशन के बाद से इस स्ट्रेटजी को स्टार्ट करिएगा जो हम आज डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपने मेंस की स्ट्रेटजी के साथ कंटिन्यू रखिए। लगभग 70-80 days बचे हुए SBI PO प्रिलिम्स के लिए एंड इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 30 days प्लान। आप किस तरीके से 30 days तक पढ़ेंगे। स्ट्रेटजी मैंने इस तरीके इसलिए डिवाइड किया हुआ है क्योंकि टाइम टाइम पर हमको थोड़े से मॉडिफिकेशंस की जरूरत होती है। यू नीड नॉट वरी, आप सिर्फ अभी 30 days तक इसको फॉलो करिए। जैसे ये 30 days गुजरेंगे वैसे ही आपके लिए दूसरी वीडियो आ जाएगी, वहां से उसको फॉलो करना स्टार्ट करिएगा। जिनका भी अभी प्रिलिम्स क्लियर नहीं हुआ ना RRB PO, ना RRB क्लर्क, ना IBPS क्लर्क, तो आप लोग ये सोचते हैं कि जब ये क्लियर नहीं हुआ तो SBI PO क्या क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको यही तो समझना है कि क्या गलतियां थी, क्यों आप अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाए अपने मिस्टेक्स को, क्यों आपने बहुत सारी नेगेटिव मार्किंग कर दी, क्यों आपका स्पीड नहीं आ पाया, कौन से वो टॉपिक्स थे जो आपको नहीं आते थे जिसकी वजह से आप वहां पर अटेम्प्ट नहीं कर पाए। ऐसी बहुत सारी जो है ना वो कमियां हैं, ठीक है। वो कमियां हमारे ही अंदर होती हैं, हमको ढूंढनी होती हैं। तो हम लोग एकदम प्रॉमिस करेंगे अपने आप से कि इस बार बिल्कुल डिसिप्लिन्ड होकर पढ़ेंगे, सारी चीज़ें एडिटोरियल, करंट अफेयर्स बिल्कुल आज से ही स्टार्ट करेंगे। क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि याद रखिए कि इसमें आपको ग्रुप एक्सरसाइज भी अटेंड करना है, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू। इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों से अपडेटेड रहें, जो भी हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं उनके बारे में आप अपडेटेड रहें, उनके बारे में आपका एक ओपिनियन हो, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है, तभी आप ग्रुप एक्सरसाइज में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। तो हम अभी से ही कैसे पढ़ेंगे कि हमारा प्रिलिम्स के साथ साथ मेंस, ग्रुप एक्सरसाइज, इंटरव्यू, सारे फेजेस क्लियर हो, यहाँ पर इस स्ट्रेटजी में हम डिस्कस कर लेते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहले डिस्कस करते हैं क्वांट के बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना है, 30 तक के क्यूब्स, स्क्वायर्स और परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन जो होता है। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट परसेंटेजेस आ जाते हैं कई बार, और हम ना DI वगैरह हमको सब कुछ आता रहता है, लेकिन हम कह देते हैं कि कैलकुलेटिव DI आई थी, लेकिन अगर मुझे उस परसेंटेज का 83.33% का फ्रैक्शन में कन्वर्जन आता होता तो मैं बहुत ईजिली मल्टीप्लाई करके और सॉल्व कर ले जाती। लेकिन यही सारी कमियां हैं जो हम अपने अंदर नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए स्क्वायर्स, क्यूब्स और परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन सबसे पहले हमको एक जगह पर लिख कर और को बिल्कुल उसे मेमोराइज कर लेना है। तो पहले आते हैं DI के ऊपर। तो DI किसको नहीं आता है, DI आता है सबको। प्रॉब्लम किस चीज़ में होती है, जल्दी सॉल्व करने में। और हम कह देते हैं कि लेंदी आया था, कैलकुलेटिव आया था, टाइम टेकिंग था, ठीक है। उसको जल्दी सॉल्व करने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, कि आपको वो ट्रिक्स पता हो, वो आपको आइडिया हो किस तरीके से सॉल्व करना है। मैं एक एकदम बेसिक सा एग्जांपल आपको देती हूँ। आपके सामने एक पाई चार्ट है, ठीक है। तो वहाँ परसेंटेज वाइज कुछ कुछ चीज़ें दी गई हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 2000 हैं और 10% ये, 5% ये, ABC सेक्शन में है, इस तरीके से बांटा हुआ है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ABC, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ABC सेक्शन एंड ई सेक्शन, तो आप क्या करेंगे, पहले ए का निकालेंगे, फिर बी का निकालेंगे, फिर सी का निकालेंगे पूरा, फिर उधर ई का निकालेंगे, फिर इधर वाले टोटल से उस कर देंगे। पर ऐसा ना करके हमको क्या करना होता है, परसेंटेज को ही प्लस करिए। जो 10%, 5%, 3% है, 18% इस तरफ आ गया और उस तरफ समझ लीजिए ई में 10% है। तो पहले आप 18-10 कर दीजिए, 8% आ गया। आप डायरेक्ट 8% निकाल दीजिए उस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, आपका आंसर आ गया। ये मैंने एकदम बेसिक एक एग्जांपल दिया है। तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम करते हैं ना, गलती नहीं है, आंसर आएगा लेकिन स्पीडली नहीं आएगा। सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं करियर डिफाइनर चैनल पर, मैंने आपको हमेशा वही रिकमेंड किया हुआ है। अगर आपको लगता है कि उससे भी अच्छा आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो स्किप मत करिए। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से बिल्कुल फ्लो में चल रहे हैं तो मत आप छोड़िए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ कमी रह जा रही है तो एकाध सेशन कौशिक सर के देखिए करियर डिफाइनर में, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए बेस्ट एवर टीचर हैं कौशिक सर।
जैसे मैंने ये एग्जाम्पल दिया ना, वैसे डिफरेंट टाइप्स की जो 10-15 टाइप्स की DIs होती हैं, उसमें किस किस क्वेश्चन में किस टाइप के पैटर्न्स लगते हैं, क्या अप्रोच से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है, ये आप वहाँ से सीख सकते हैं। DI की एक फुल लेंथ वीडियो डली है, आप सबसे पहले तो उसको जाकर देखिएगा और समझिएगा कि कहाँ पर आप आज तक गलत कर रहे थे और आपको उन सारे क्वेश्चन को किस अप्रोच से करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, मिसिंग और रॉन्ग। इन सब की एक एक जो सिंगल क्लास डली हुई है ना, मतलब एक फुल लेंथ क्लास डली हुई है, उसमें सारे के सारे पैटर्न्स आपको क्लियर कर दिए जाएंगे। जैसे जो नंबर सीरीज है, किस टाइप के, कितने टाइप के पैटर्न्स आ सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे नंबर सीरीज हैं जहां पर हम फाइंड आउट ही नहीं कर पाते हैं कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो इस टाइप के आपको वहां पर अप्रोचेस समझाए जाएंगे, जो आपको फर्स्ट टाइम पता चलेगा कि ऐसे भी अप्रोचेस आते हैं, और जब सीरीज मुझे इस तरीके की दिखे तो मैं इस तरीके के पैटर्न के बारे में माइंड में सोचूं अपने आप कि ये पैटर्न लग सकता है क्या। ये सारी चीजें अपने आप आपके अंदर बिल्ड होगी। ये सारी के आप जो फुल लेंथ वीडियोस डले हुए हैं करियर डिफाइनर पे, उसको जरूर वॉच करके अपने शॉर्ट नोट्स कुछ जरूर बनाइएगा। मैं बनाती थी, मेरे पास अभी भी है रॉन्ग नंबर सीरीज के, जहां पर मैंने पैटर्न्स लिखे हुए हैं। ये सब आपका हो जाएगा ना, तो हर दिन आप ये प्रैक्टिस बनाइए कि आप 4-5 DIs सॉल्व कर रहे हो खुद से प्री लेवल के, एंड ये जो जितने भी स्पीडी मैथ्स के क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, इन सब के 5-5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो खुद से, लेकिन टाइमर के साथ। बस ये गलती मत करिएगा कि बैठ के आप आराम से सॉल्व कर रहे हैं, आपको सारी चीजें टाइमर के साथ सॉल्व करनी है। और ये माइंड में रखिए, 5 क्वेश्चन है तो मुझे 2 मिनट में सॉल्व करना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। उसके बाद ना आप एरिथमेटिक का एक एक चैप्टर उठाइए, ठीक है। वहीं करियर डिफाइनर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहीं से आप कवर करते जाइए, एंड एक चैप्टर आपका फिनिश हो जाए तो उसके बाद उसके मल्टीपल क्वेश्चंस लगाइए, ताकि आप उस चैप्टर में एकदम परफेक्ट हो जाएं। अगर आप एक रफली बात करेंगे तो डेली आप DI में 1 आवर दीजिए, आप बाकी स्पीडी मैथ्स में 1 आवर दीजिए, एंड एरिथमेटिक में 1 या 1.5 आवर तक दीजिए। क्वांट थोड़ी ज्यादा वीक है बाकी सेक्शन से कंपैरिजन में, आप अपने अकॉर्डिंग टाइम को थोड़ा और इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी टेल यू कि ये जो गाइडली का स्कॉलरशिप प्रोग्राम है ना, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स मेरिट में आएंगे इस टेस्ट में, इस लाइव टेस्ट में, उन स्टूडेंट्स का एग्जाम फीस जो है वो गाइडली बियर करेगा। तो इस स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट में एनरोल करना मत भूलिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको एक फ्री लाइव मॉक मिल रहा है, अवेलेबल हो रहा है, जिसमें कि आप पैन इंडिया में आप अपने परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं कि कहाँ पर आपका रैंक आ रहा है अभी, और जो भी मेरिट में आएंगे स्टूडेंट्स उनका फीस जो है वो गाइडली पे करेगी SBI PO का। तो हर एग्जाम से पहले इस तरीके का एक स्कॉलरशिप लाइव टेस्ट होता है, हमेशा मैं आपको बोलती हूँ एनरोल करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक भी इसको शेयर करिएगा, ताकि जो भी नीडी हैं उन तक ये बात पहुंच सके, एंड आप सब इसमें एनरोल जरूर करिएगा। 30th September लास्ट डेट है और टेस्ट का डेट है 2nd October। ओके, इन सब के अलावा आपको 30 मिनट अभी से देना होगा, आप प्रोकेस्टिनेट मत करिएगा। जब आप प्री की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसी दिन से, मैं आपको ये बात बोल रही हूँ कि उसी दिन से क्या करिएगा कि कोई भी SBI PO का मेंस का मॉक आप सबमिट कर दीजिए वहाँ पर, और उसके क्वांट सेक्शन के 5 क्वेश्चंस, कोई भी 5 क्वेश्चंस, या तो वो एक DI होगा या तो वो अलग से एक 5 क्वेश्चंस, कोई भी 5 क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। आपसे नहीं बनेगा स्टार्टिंग में, कोई बात नहीं, आप उसका सॉल्यूशन देख के एटलीस्ट समझिए कि सामने तो आएगा कि ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है, मीन्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। तो ये चीज़, ये अपनी हैबिट जरूर बना लीजिए। और अगर आपके पास मेंस मॉक्स वगैरह नहीं है अवेलेबल फिलहाल, तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, मेंस के जो वीडियोस होंगे कहीं पर किसी के भी, आप करियर डिफाइनर पे ही जाकर सर्च कर सकते हैं, या कहीं पर 5 क्वेश्चंस डेली अपनी हैबिट बनाइए कि आप मेंस लेवल के क्वांट के क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं। दैट वाज ऑल अबाउट क्वांट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में हम क्या करते हैं ये बताइए। इंग्लिश में हम करते हैं नेगेटिव मार्किंग। हमने एक रफली बता रही हूँ कि 22-23 हमने क्वांट में अटेम्प्ट किया, 22-23 हमने रीजनिंग में अटेम्प्ट किया, और 25 हमने इंग्लिश में अटेम्प्ट किया, 70 अटेम्प्ट कर लिया। अगर ये 70 पूरे के पूरे सही हो जाए तो जिंदगी में कोई हमको रोक नहीं सकता क्लियर करने से। लेकिन गलती क्या होती, 8 से 9 क्वेश्चन हम इंग्लिश में ही गलत कर देते हैं। तो आप ये समझिए 8 से 9 मार्क्स तो गए ही, उसके साथ साथ नेगेटिव मार्किंग भी हो गई, और 1-2 सिली हमने क्वांट और रीजनिंग में गलतियां कर दी होंगी। तो ये समझिए हमारा मार्क्स क्या आ जाता है, 50 के लाइन में आ जाता है। तो इतना बड़ा डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस अगर आपको क्रिएट करना है ना, इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। दैट मीन्स हमको इंग्लिश में इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। इंग्लिश की एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही बनाई थी, फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। इंग्लिश आपको स्ट्रेंथन करना है, एक टीचर को फॉलो करिए, और बाकी सारी चीजें जो जो मैं बोल रही हूँ वो सारी चीजें भी करनी है, लेकिन टीचर को आप फॉलो करेंगे वो है निमिषा बंसल मैडम। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो वोकैब इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, उसके बाद बहुत सारी प्रैक्टिस।
पहले बात करते हैं वोकैबुलरी के बारे में। तो मैंने आपको शायद 1 करोड़ बार ये बात बोली है कि आपको द हिंदू का एडिटोरियल हर दिन पढ़ना है, ठीक है। तो द हिंदू के एडिटोरियल के 2 आर्टिकल्स उठाइए, उसको आज से रीड करना स्टार्ट करिए। स्टूडेंट्स डिसिप्लिन मेंटेन करिए, प्रॉमिस करिए कि आज से मैं डिसिप्लिन वे में द हिंदू के 2 आर्टिकल जरूर रीड करूंगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं ना जो कुछ स्टूडेंट्स नहीं करते हैं बिल्कुल, और यहीं से डिफरेंस क्रिएट होता है। तो आप आर्टिकल्स रीड करेंगे ना, जब आप दूसरों के ओपिनियंस वहां पर रीड कर रहे होंगे, आपके खुद के ओपिनियंस बिल्डअप होंगे, एंड यही आपको हेल्प करेगा डिस्क्रिप्टिव में जब एसे राइटिंग आएगा, यही आपको हेल्प करेगा आपके ग्रुप इंटरव्यू में जब आपसे सारी चीजें आपस में लोग डिस्कस कर रहे होंगे, यही आपको हेल्प करेगा इंटरव्यू में, क्योंकि आपके ओपिनियंस ही फॉर्म नहीं हो रहे हैं ना। आप जस्ट करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, आपको आप करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन आपके पास फुल नॉलेज नहीं होती है, आपके ओपिनियंस किसी भी टॉपिक पर कोई फॉर्म नहीं हुए होते हैं। इस चीज को स्किप मत करिएगा, वहां से हमको डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं जो हमको नहीं आते हैं, आप उसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, एंड वहां पर उनकी मीनिंग्स लिखिए टाइम टाइम पे, हर वीक पे जो भी आपने इस वीक में वोकैब मेंटेन की है उसको रिवाइज करना मत भूलिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बोल रही हूं, जो आप द हिंदू एडिटोरियल रीड करते हैं ना, तो अभी स्टार्टिंग में शायद आपके ओपिनियंस नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपने पहले नहीं रीड किया है। कि अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि ये आर्टिकल का आप अपने वर्ड्स में समरी लिखिए तो आपको प्रॉब्लम होगी, तो कोई बात नहीं, आप 10 डेज तक वेट करिए, 10 डेज तक डेली ये हैबिट बनाइए, ठीक है, रीड करने वाली। फिर 11th डे से आप ये काम करिएगा कि आप किसी भी एक आर्टिकल को उठाकर बिल्कुल साइड कर देंगे पेपर न्यूज़पेपर, और अपने सामने अपनी नोटबुक में 1 या 2 पैराग्राफ में उस पर्टिकुलर आर्टिकल को अपने वर्ड्स में लिखेंगे, और उन वर्ड्स में लिखते वक्त भी ट्राई करिएगा कि जो आप वोकैब पढ़ रहे हो ना इतने दिन से, उन वर्ड्स को भी यूज कर सके। ये हैबिट आपकी एसे में, आपके डिस्क्रिप्टिव में बहुत ज्यादा काम आएगी, IBPS PO में भी, SBI PO। अगर आपको प्रॉब्लम होती है द हिंदू के एडिटोरियल को समझने में, तो आपके लिए बेस्ट ये रहेगा कि आप निमिषा मैम की एडिटोरियल एनालिसिस चैनल पर जो एडिटोरियल की एनालिसिस आती है वीडियो, उसको फॉलो करें। उससे क्या होता है, मैं अपने टाइम पर उसको फॉलो करती थी, तो मैंने स्किमिंग टेक्निक सीखी वहां से। स्किमिंग क्या होता है, जैसे हम कोई भी आर्टिकल को पढ़ रहे हैं पूरी तरीके से, कई बार इतना ज्यादा डिटेल्ड पढ़ना जरूरी नहीं होता, हम ऊपर ऊपर से पढ़ के उसका पूरा एक समरी समझ सकते हैं, उसको कहते हैं स्किमिंग। तो वहां पर आप उसको लर्न कर सकते हैं बहुत अच्छे से। जो आर्टिकल रहता है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी वहां पर करवाए जाते हैं, लाइक एरर डिटेक्शन हो गया, फिलर्स हो गया, ये सारी चीजें, तो आपका एक प्रैक्टिस भी होता रहेगा आरसी का, ठीक है। सो दैट वाज अबाउट वोकैब, और यहीं से आप रीडिंग पार्ट भी कवर होता है, आपको एडिटोरियल को हर दिन रीड करना है। उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, कोई इंग्लिश की नॉवल रख लीजिए, उसको हर दिन रीड करिए, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता है ना उसको लेकिन रीड किया करिए, ठीक है। मैंने आरसी की कुछ फ्री PDFs भी आपको प्रोवाइड करा रखी है टेलीग्राम में, आप वहां से भी बहुत सारी रीडिंग प्रैक्टिस अपनी कर सकते हैं। फिर भी इफ यू वांट कि अगर आपको वोकैब अपनी इंप्रूव करनी है, तो एक बुक मैं सजेस्ट करूं, तो वोकैब प्रोडिजी, जिसका रिव्यू मैं बहुत पहले कर चुकी हूं, अभी हम यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, अगर मुझे मिला तो वो मैं वीडियो आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छी बुक है, आप वोकैब प्रोडिजी को रेफर कर सकते हैं। अब हम आते हैं ग्रामर में, तो ग्रामर में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रूल्स। सबसे पहले ना आप इंग्लिश का सिलेबस जाकर देखिए, ठीक है, इंग्लिश का सिलेबस देखिए कि क्या क्या चैप्टर्स आते हैं, उसमें से कुछ चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेज हो गए, वर्ब्स एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स, ये सारे को सबसे पहले फिनिश करिए, बाकी चैप्टर्स को उसके बाद पढ़िएगा। सारे चैप्टर्स जब आप एक एक बार फिनिश कर लें, अगर आप कोई बुक नहीं लेना चाहते हैं इसके लिए, तो आप निमिषा मैम के चैनल को रेफर कर सकते हैं, वहाँ पर सारे टॉपिक्स पे वीडियोज़ बने हुए हैं। तो जब आपका सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाए ना, तो उसके बाद आपको ये 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है वो जरूर आपको कवर करना है। मैंने अच्छे से आपको दिखाया था वहां पर, इतने अच्छे से 120 सबसे इंपॉर्टेंट रूल्स जो हैं ग्रामर के वो कवर करवाए गए हैं, उसके बाद बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स भी हैं, ठीक है। बुक वगैरह का सबका लिंक यहां पर दिया रहेगा, आप जाकर परचेज कर सकते हैं। इन एनी केस आप बुक भी नहीं ले पा रहे हैं, तो 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की वीडियो डली हुई, दैट इज अ मस्ट वॉच फॉर यू, उसका भी लिंक मैं दे ही दूंगी, ठीक है। बुक इसलिए रेफर कर रही हूँ क्योंकि वहां पे आप पढ़ते हैं ना अच्छे से हाईलाइट कर करके, तो बाद में रिवीजन में बहुत हेल्प होती है। चलिए, जब ये आपका फिनिश हो जाए, तब उसके बाद आप हमेशा प्रैक्टिस करते रहिए, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, एरर डिटेक्शन एवरी डे आपको 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। वहां पे रूल्स ही लगे हुए होते हैं जिसको हम पहचान पाते हैं, कई बार नहीं पहचान पाते हैं। तो ग्रामर के ये सारे चैप्टर्स आप एक बार जरूर कवर कर लीजिएगा। हमको लगता है कि नाउन प्रोनाउन, अरे हमको आता है ये तो बहुत इजी है, लेकिन कई बार हम बहुत सारे रूल्स से काफी दूर होते हैं, हमको बिल्कुल वो रूल्स के बारे में नहीं पता होता है। द हिंदू का एडिटोरियल करना है, आपको वोकैब मेंटेन करना है, आपको 20 एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस डेली करने हैं, एंड यू नीड टू डू सेक्शनल मॉक्स। कहीं से भी जो भी मॉक्स आपके पास में है उससे आप सेक्शनल मॉक्स प्रैक्टिस करिए, या तो अगर सेक्शनल मॉक नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी एकदम कि हर दिन अनअकैडमी पे शायद फ्री क्लासेस होते हैं, आप एक बार सर्च कर लीजिएगा निमिषा मैम की फ्री क्लासेस, वहां पर आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएंगे। जो चीज़ें मैं आपको सेक्शनल मॉक से करने बोल रही हूँ, वो आपने मुझसे पूछा था कि अगर सेक्शनल मॉक नहीं है तो क्या करें, तो आप वहां से कर सकते हैं। ओके,
मॉक्स जब आप देते हैं ना होल मॉक, तब एनालाइज करिएगा कि कौन से इंग्लिश के वो टॉपिक हैं जो आपसे बार बार गलत हो रहे हैं, और उनको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट दीजिएगा। करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो बहुत जल्दी मैं बताऊंगी कि आशीष सर का अड्डा 247 का डेली वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। अगर कहीं और से कर रहे हैं तो कंटिन्यू रखिए, डेली वीडियो आपको फॉलो करना है, ये आप याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अभी करंट अफेयर्स बिल्कुल ना पढ़ें, आप लास्ट में मंथली कवर करके एग्जाम देने चल जाएं, तो होगा क्या कि आपके 40-50 मार्क्स, जितने भी टोटल मार्क्स हैं, उसमें से आपके 20 मार्क्स आएंगे, 15 मार्क्स आएंगे, आपका कट ऑफ निकल जाएगा, लेकिन आप आउट स्टैंड नहीं कर पाएंगे। इफ़ यू नीड टू आउट स्टैंड, क्लियर करना है आपको मेंस, कट ऑफ के 25-30 मार्क्स ज़्यादा लाना है, इंटरव्यू भी क्लियर करना है, तो अभी से आपको करंट अफेयर्स डेली पढ़ना होगा, ओके? और उसके बाद आपको PDF सोर्स रखना ही है करंट अफेयर्स का, उसका भी कोई अदर अल्टरनेटिव नहीं है। अफेयर्स क्लब का सब्सक्रिप्शन लेना ही है, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर जरूर ले लीजिए। आपको वहां पर क्या अवेलेबल होता है उसका एक वीडियो मैंने बनाया था कि आप जाकर देख लीजिएगा कि आप सब्सक्रिप्शन जब लेंगे ना, तो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स वहां पर अवेलेबल नहीं होता है, जो आपको फ्रीली कई बार टेलीग्राम में भी अवेलेबल हो जाता है, सिर्फ वो PDFs अवेलेबल नहीं होते हैं, उसके अलावा आपको 90 अदर थिंग्स अवेलेबल होती है। वो क्या चीजें हैं आप एक बार जाकर देखिएगा उस वीडियो में। तो आपको वीकली PDFs पढ़नी है, मैं हमेशा Q&A PDF पढ़ा करती थी, तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। आपको वीकली PDFs पढ़नी है और उसके बाद उसको मंथली से रिवाइज करना है। 4 वीक्स का समझ लीजिए मैंने पढ़ लिया, अगस्त का 4 वीक का मैंने पढ़ लिया समझ लीजिए, उसके बाद मैं फिर अगस्त का मंथली वाले से उसको रिवाइज कर लूंगी, तो अच्छे से जल्दी कवर हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव जो आपका सेक्शन आएगा उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल आपको क्या करना है, एडिटोरियल जो आप कर रहे हैं बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में, उससे आपकी कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव की प्रिपरेशन हो रही है, GD इंटरव्यू सबकी प्रिपरेशन हो रही है, इसलिए एडिटोरियल को आपको जरूर करना है, ओके? अपने ओपिनियंस फॉर्म करिए, वो जो चीजें चल रही है ना हॉट टॉपिक्स, उनको डिस्कस करिए किसी के साथ, नॉलेज बिल्ड करिए, अपना एक पर्सपेक्टिव बनाइए, ठीक है? ये सारी चीजें आपको GD इंटरव्यू एंड डिस्क्रिप्टिव में हेल्प करेंगी। मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसको जरूर देखिएगा। अब रीजनिंग की बात करें, मैं सब में एक टीचर आपको बता रही हूँ, रीजनिंग की बात करें तो हमारे पास है अंकुश लांबा सर। आप जो उनकी 1000 पजल की जो सीरीज है ना, उसको स्टार्ट करिए, ठीक है? फ्री वीडियोस यूट्यूब पर डली हुई हैं, आप उसको स्टार्ट करिए। आप बोलेंगे ये सारे पजल्स तो मुझसे बनते हैं, मैं क्यों कर रहा हूँ? आपका टारगेट होना चाहिए 2 मिनट्स। आप मुझे ये बताइएगा कि आपसे 2 मिनट्स में बन रहा है या नहीं बन रहा है, एक पजल आपसे 2 मिनट्स में बन जाना चाहिए। तो आपका सबसे पहले टारगेट होना चाहिए कि आप 1000 पजल सीरीज को स्टार्ट करें, डेली 2 वीडियो 3 वीडियो जितने आपको लग रहा है आपसे कवर हो पा रहा है उतने कवर करिए, और एक पजल को 2 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं हो रहा है तो अप्रोचेस देखिए, किस अप्रोच से सर बता रहे हैं, किस अप्रोच से जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। इनइक्वालिटी, सिलॉग्स, डिस्टेंस डायरेक्शन के सारे के पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए अगर नहीं है तो, और अगर क्लियर है तो डेली आपको 5-5 क्वेश्चन सबके सॉल्व करने हैं। अड्डा पे आपको सेक्शनल क्विजेस मिल जाएंगे, तो ये सारे अगर आपको क्वेश्चंस ढूंढने में दिक्कत होती है ना, तो अड्डा जो है ऐप अड्डा 247 का फ्री, वहाँ पे आपको क्विजेस मिल जाती है सारे टॉपिक बेस्ड, तो वहाँ से आप क्वेश्चंस अवेल कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं टाइमर के साथ। लेकिन टाइमर के साथ ही आपको करना है, चाहे आप किसी बुक से कर रहे हो, चाहे आप ऐप से कर रहे हो, चाहे आप वीडियो से कर रहे हो, लेकिन टाइमर के साथ ही करना है। 5 क्वेश्चन आपके 2 मिनट में होने चाहिए। उसके बाद आते हैं हम क्रिटिकल रीजनिंग पे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो अभी से उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ आपको हर दिन करना है, 3-4 दिन में एक बार थोड़ी प्रैक्टिस कर लिया करिए, आप उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं मेरिट शाइन चैनल से। सफिशिएंसी जो है आपके मेंस में जरूर आएगा, प्री में अगर नहीं आया तो, क्वांट और रीजनिंग दोनों में, तो क्वांट और रीजनिंग दोनों के लिए बोल रही हूँ। डेटा सफिशिएंसी अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, सेम उसी तरीके से बोलूंगी कि हर दिन करने नहीं बोल रही हूँ, लेकिन 3-4 दिन में आप डेटा सफिशिएंसी के कुछ क्वेश्चंस लगाया करिए। ये जो मैंने क्विजेस की बात की ना, मुझे याद आया, जो अफेयर स्काउट का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मैं बोल रही हूँ ना कि आपको और भी सारी चीज़ें मिलेंगी, उन सारी चीज़ों में ये क्विजेस भी शामिल है। अब आप सोचिए 10,000 ऑफ क्वेश्चन वहाँ पे हैं सारे टॉपिक्स पे, आपको कहीं पर ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। रीजनिंग में इन सारी चीज़ों को करने के बाद एक मेंस लेवल का पजल आप जरूर सॉल्व कर लिया करिए। RC में बोलना भूल गई हूँ शायद, इंग्लिश में भी 2 प्री लेवल की और 1 मेंस लेवल की RC आप डेली कर लिया करिए। मेंस लेवल के जो पजल्स आप करेंगे ना, उसमें आपको 30 मिनट्स लग सकता है, इतना डिफिकल्ट होता है वो कि स्टार्टिंग में आपको 30 मिनट्स लग सकता है, लेकिन आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर ये चीज़ अपने आप में देखनी है कि मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ कि नहीं। कोई बात नहीं अगर टाइम लग रहा है तो, अगर आपसे 40 मिनट्स 50 मिनट्स भी बन रहा है ना अगर एक मेंस लेवल का पजल, देन यू आर डूइंग ग्रेट। धीरे धीरे वो टाइम रिड्यूस होगा और आप उसको 20 मिनट्स पर ले आइएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आप ये कोशिश करिए कि आप बैठकर सिर्फ सॉल्व कर रहे हो, आपसे एक टाइम तक बन जाए। मेंस लेवल पजल्स के लिए आप मेंस लेवल के मॉक्स को फॉलो कर सकते हैं, या तो स्मृति मैम या अंकुश सर को फॉलो कर सकते हैं। एक होल मॉक, एक प्री का मॉक हर दिन देना है, ठीक है? एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं बोलूंगी आपको 2 मॉक देने, फिलहाल आप एक मॉक हर दिन देंगे एंड एनालाइज करिए कि आपसे कौन से वो टॉपिक्स हैं जहां पर आपकी गलतियां हो रही हैं, कौन से वो इजी क्वेश्चंस थे जिसको आपने स्किप कर दिया है, कौन से क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड रह जा रहे हैं, कौन से
क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, सारी चीजें एनालाइज करिए एंड उस पर अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका अलग अलग होगा, अपने अकॉर्डिंग वर्क करिए। अगर कट ऑफ की बात करें ना, तो जनरल की कट ऑफ लास्ट ईयर 63 थी, मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रही हूँ, उससे पहले ईयर में 58.5 थी और उससे पहले ईयर में 71 थी, तो ये इस रेंज में रहती है। 71 रही होगी ना जब, तो ईजी आया होगा पेपर, ये आप मानकर चलिए, तभी 71 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो आप ट्राई किया करिए कि जब आप मार्क्स दे रहे हो ना, तो आप अपनी मार्क्स में, मार्क्स आप मत देखिए, क्योंकि कई बार कट ऑफ हाई जाता है लो जाता है, आप वहां पर देखिए परसेंटाइल, आपका परसेंटाइल 90 प्लस होना चाहिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज भी थोड़ी कम ही आई हुई हैं, परसेंटाइल आपका सबसे ज़्यादा मैटर करता है, 90 प्लस आपका परसेंटाइल होना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि मेरा परसेंटाइल 95% प्लस हो। एंड अगर आपको लगता है कि आपको स्पीड नहीं आ रहा है, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन सब कुछ बन रहा है, सब कुछ हो रहा है लेकिन स्पीड नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है क्यूडो ऐप के बारे में, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी उस वीडियो का जहां पर मैंने उस गेम के बारे में आपको बताया। क्यूडो इंडिया का फर्स्ट ऐसा गेमिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सामने बैठे, मतलब एक रैंडम पर्सन आपसे लाइव जुड़ेगा वहां पर और आप दोनों साथ में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम में, 15-15 सेकंड का टाइम रहता है, कहीं पर 40 सेकंड्स का टाइम रहता है एक क्वेश्चन के लिए। तो उससे क्या होगा ना कि जब आप अपने सामने देखते हैं कि मेरे सामने एक कॉम्पिटिटर है, मुझे उससे जीतना है, तो आप जल्दी, आपकी हैबिट होती है जल्दी प्रैक्टिस कर, जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जल्दी अटेम्प्ट करने की। ये ऐप जो है ना, ये आपका बेस्ट जो स्टडी सेशंस होते हैं उनके बीच का फिलर्स के रूप में काम कर सकता है। तो जहां पर भी आपको लगता है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जब आप सोने जाते हैं या रैंडमली इधर से उधर कुछ ट्रैवल कर रहे हैं कुछ भी, तो वहां पर आप क्यूडो ऐप को अपने शेड्यूल में शामिल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना एक्सपीरियंस मुझसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि पर्सनली मुझे ये ऐप बहुत ज्यादा पसंद है। दैट वाज ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड, आई होप आपको सारे सेक्शंस क्लियर होंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी थी लेकिन जिसने भी शुरू से लास्ट तक देखा होगा ना, उसको डेफिनेटली बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। दैट वॉज ऑल, वीडियो बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट दैट बेल आइकन टू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स टू। ओके, दैट वॉज ऑल, दिस इज साबिया साइनिंग ऑफ, सी यू इन आवर नेक्स्ट सेशन, टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।